अस्सलाम वालेकुम, फॉरेन फोकस के साथ मैं हूं किरण रिजवी। खबरों की तफसील से पहले आपको लिए चलेंगे हेडलाइंस की जानिब। एम के एम ने आजाद कश्मीर हुकूमत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बर्दाश्त नहीं, सब्र की हद खत्म हो गयी। एम के एम के रहनुमा रशीद गोडल कहते हैं तालिबान कराची के एक चौथाई हिस्से पर काबिज है, 9-0 पर हमला हुआ तो पब्लिक रिएक्शन का खतर हो सकता है। वजीर आजम ने दौरान मुलाजमत पढ़ने वाले मुलाजिम के खानदान के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 के लिए 25 लाख, 17 के लिए 50 लाख, ग्रेड 20 से ऊपर के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। DGISPR आसिम बाजवा कहते हैं ऑपरेशन जरबे अर्ज जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं मुतासिम जब वापस घरों को जाएं तो पहले जैसे हालात ना हो। डॉक्टर ताहरुल कादरी की जानिब से इस्लामाबाद का धरना खत्म करने के बाद शुरका की घरों को वापसी।